क्या बैठक में आप लोग ने मोहर लगाई, किन किन मुद्दों जी? देखिए, मुख्य था राम मंदिर, मंदिर का भव्य निर्माण, राष्ट्र में किसका नाम होना चाहिए, तो वो तय किया गया है। विश्व हिंदू परिषद संतों ने जो जो नाम दिए गए हैं, वह नाम लगभग जाके भेजे जा चुके हैं। अब वो केंद्र सरकार के वो है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार कुछ बनावे, तो केंद्र सरकार के ऊपर हम निर्भर है किसका किसका नाम देती है। दूसरी बात यह है कि धर्मांतरण पर रोक लगना चाहिए और नागरिकता संशोधन कानून पे हम लोगों ने समर्थन किया है कि वह भारत के हित में है, राष्ट्र हित में है, और जो इसका विरोध करें उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करके जुर्म डाला जाए। और योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पब्लिक प्रॉपर्टी और सरकार का नुकसान जिन लोगों ने किया है उनपे उनकी जमीन को कुर करके लिया जाए। एक बात और है कि साथ में जो महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, उनका आंदोलन प्रायोजित है, उनको बाकायदे बिरयानी दी जा रही है, 500-500 रुपये दिए जा रहे हैं। यह आंदोलन टूट जाएगा, उस चिंता की जरूरत नहीं है। अच्छा महाराज, जहाँ महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, अगर प्रयागराज की बात करें, आज कई साधु संत वहाँ पर जी हैं। कोई साधु महात्मा नहीं गया था, जो साधु महात्मा गए वो फर्जी लोग हैं। वो कोई संत महात्मा ऐसा काम करे क्या? राष्ट्र हित में काम करेगा, राष्ट्र विरोध काम नहीं करेगा। और जो लोग सीए का विरोध कर रहे हैं उनके वो राष्ट्र हित में नहीं है, वो राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। ठीक है, और कोई सवाल? प्रमाण में कहा गया है कि राम जन्मभूमि न्यास ही मंच का निर्माण करे, जो नए नाम जुड़े कोई दिक्कत नहीं, नया नाम जुड़ना भी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम करके जुर्म डाल देना चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी, सरकारी नुकसान जो पहुंचा रहे हैं उनसे वसूला जाए, ये तय हुआ है। और अब कोई चिंता की जरूरत नहीं है, जाति प्रथा बंद हो गई है, कोई अब किसी जाति के नहीं, सब हिंदू लिखेंगे। जाति प्रथा सामाजिक समरसता के? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब कोई जाति नहीं, सब एक एक समन्वय बना करके। संत महात्मा भी यही राय दिए हैं कि अब सारे कहीं कहीं किसी किसी में रोक था, लेकिन अब ये हुआ है कि सभी जातियों के लोग हर अखाड़ों में संत महात्मा बने और सबका सम्मान हो। अब सबसे जो पूछा जाए वो हम हिंदू हैं और कुछ। क्या बैठक में आप लोग ने मोहर लगाई, किन किन मुद्दों पर? जी देखिए, मुख्य था राम मंदिर, मंदिर का भव्य निर्माण, राष्ट्र में किसका नाम होना चाहिए, तो वो तय किया गया है। विश्व हिंदू परिषद संतों ने जो जो नाम दिए गए हैं, वह नाम लगभग जाके भेजे जा चुके हैं। अब वो केंद्र सरकार के वो है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार कुछ बनावे, तो केंद्र सरकार के ऊपर हम निर्भर है किसका किसका नाम देती है। दूसरी बात यह है कि धर्मांतरण पर रोक लगना चाहिए और नागरिकता संशोधन कानून पे हम लोगों ने समर्थन किया है कि वह भारत के हित में है, राष्ट्र हित में है, और जो इसका विरोध करें उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करके जुर्म डाला जाए। और योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पब्लिक प्रॉपर्टी और सरकार का नुकसान जिन लोगों ने किया है उनपे उनकी जमीन को कुर करके लिया जाए। एक बात और है कि साथ में जो महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, उनका आंदोलन प्रायोजित है, उनको बाकायदे बिरयानी दी जा रही है, 500-500 रुपये दिए जा रहे हैं। यह आंदोलन टूट जाएगा, उस चिंता की जरूरत नहीं है। अच्छा महाराज, जहाँ महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, अगर प्रयागराज की बात करें, आज कई साधु संत वहाँ पर? जी हैं, कोई साधु महात्मा नहीं गया था, जो साधु महात्मा गए वो फर्जी लोग हैं। वो कोई संत महात्मा ऐसा काम करे क्या? राष्ट्र हित में काम करेगा, राष्ट्र विरोध काम नहीं करेगा। और जो लोग सीए का विरोध कर रहे हैं उनके वो राष्ट्र हित में नहीं है, वो राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। ठीक है, और कोई सवाल?